हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महिला आरक्षण बिल 2023 यानी नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के बारे में तथा साथ ही इससे संबंधित सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एवं क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। सभी पॉइंट्स एवं फैक्ट्स इम्पोर्टेंट एवं सेलेक्टेड हैं जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षा में आने की पूरी पूरी संभावना रखते हैं, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक महिला आरक्षण बिल 2023 को। इस वीडियो में हमने इस टॉपिक से संबंधित शुरू से अंत तक संपूर्ण जानकारी दी है, यानी संपूर्ण फैक्ट्स एवं तथ्यों को इसमें शामिल किया है। तो देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है कि महिला आरक्षण बिल 2023 किससे संबंधित है। तो याद रखना, इसका सही आंसर होगा कि लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के एक तिहाई यानी 33% आरक्षण प्रदान करने से महिला आरक्षण बिल 2023 संबंधित है। पहली बात याद रखनी है कि महिला आरक्षण बिल किस संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है और ये किस संदर्भ में अपनी व्याख्या देता है। तो याद रखना है कि इसके अंतर्गत लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान किए जाने की बात की गई है। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की। अगले क्वेश्चंस में बात की गई कि लोकसभा में महिला आरक्षण बिल 2023 किस नाम से पेश किया गया। तो इसका सही आंसर हुआ कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के नाम से महिला आरक्षण बिल 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 किसने पेश किया था। तो इसका सही आंसर है अर्जुन राम मेघवाल ने, और इस समय स्वतंत्र प्रभार के भारत के विधि एवं न्याय मंत्री हैं। इसके फैक्ट्स देख लीजिएगा कि हमने इस क्वेश्चंस के इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं उनको समझ लीजिए कि नए संसद भवन में लोकसभा की कार्यवाही के दौरान विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 यानी नारी शक्ति बंधन अधिनियम को पेश किया। महिला आरक्षण बिल 2023 को लोकसभा में 19 सितंबर 2023 को पेश किया था इन्होंने, और इस बिल को लोकसभा में 20 सितंबर 2023 को क्या कर दिया गया था, पारित कर दिया गया था। इसके साथ में नेक्स्ट अगले इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में देखिएगा कि महिला आरक्षण बिल का इतिहास क्या है। इससे पहले भी ये बिल पारित हुआ था यानी पेश किया गया था, कि पहली बार ही इस लोकसभा में इसको पेश किया गया। तो देखिए, इस बिल को सर्वप्रथम HD देवगौड़ा की सरकार ने 12 सितंबर 1996 ईस्वी में 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में संसद में पेश किया था, लेकिन यह उस समय पास नहीं हो सका था। इस बिल में उस समय संसद एवं राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रस्ताव था। इस 33% आरक्षण के अंदर अनुसूचित जाति यानी SC वर्ग के लिए और अनुसूचित जाति यानी ST वर्ग के लिए उप आरक्षण का क्या था, प्रावधान था, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं था, और ये बिल क्या है, उस समय पास नहीं हुआ था। उसके बाद में क्या होता है कि इसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने दिसंबर 1998 यानी 12वीं लोकसभा में एवं दिसंबर 1999 यानी 13वीं लोकसभा में इस बिल को पेश किया, लेकिन यह उस समय भी पास नहीं हो सका। और उसके बाद में फिर क्या होता है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय इसी बिल को मई 2008 में संसद में पेश किया गया, लेकिन यह बिल 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में क्या हो गया था, पास हो गया था, लेकिन लोकसभा में भी उस समय यह पास नहीं हुआ था, लेकिन वर्तमान समय में इस बिल को लोकसभा में पास कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि अभी हाल ही में लोकसभा एवं राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत सीटें देने वाले महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी मिली है। तो इसका सही आंसर होगा 33% आरक्षण देने वाले विधेयक को क्या है, मंजूरी मिली है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखिएगा कि 33% यानी लोकसभा में क्या है, वर्तमान में 543 सीटें हैं, इनमें से 181 सीटें महिलाओं के लिए होंगी, और इसी तरह विधानसभा में जितनी सीटें होंगी उसकी 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी इस विधेयक के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, नेक्स्ट फैक्ट इसी का है, इसी के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में नेक्स्ट पॉइंट में देखिएगा कि वर्तमान में लोकसभा में 78 यानी 14% और राज्यसभा में 29 यानी 12% महिला सदस्य हैं। तो याद रखना है, इम्पोर्टेंट है कि वर्तमान में लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है, 78 है, जो क्या है, कुल सदस्यों की 14% होती है, और राज्यसभा में 29 है महिला सदस्यों की, जो कुल सदस्य का 12% है, और किसी भी देश के किसी भी राज्य में 15% से अधिक। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी है कि देश के 28 राज्य हैं वर्तमान में, तो किसी भी राज्य में 15% से अधिक महिला विधायक
नहीं है। सबसे अधिक महिला विधायक छत्तीसगढ़ में हैं, जो कुल जनसंख्या का 14.44% हैं। इसके अलावा नागालैंड व मिजोरम में एक भी महिला विधायक नहीं है वर्तमान स्थिति में। इस बिल से राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सीटों में से 66 सीटों पर महिलाओं को आरक्षण प्राप्त होगा। और वर्तमान में जो 15वीं विधानसभा है उसमें 27 महिला सदस्य क्या हैं, विधायक हैं। ये बात आपको नोट करनी है। इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि 17वीं लोकसभा में कुल कितनी महिला सांसद चुनकर आई थी। इसका सही आंसर होगा 78 महिला सदस्य क्या थी 17वीं लोकसभा में सांसद चुनकर आई थी। इसका फैक्ट्स देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कि 17वीं लोकसभा में महिला राजनेताओं की अब तक की सबसे अधिक संख्या 78 यानी लगभग 14.36% रही थी। उपचुनाव सहित वर्तमान में 42 महिला सांसद हैं हमारे लोकसभा के अंतर्गत। अब यहाँ पे ये फैक्ट्स देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है कि जो हमारी प्रथम, अगर देखें कि 22 सांसद थे यहाँ पे, जो हमारी प्रथम लोकसभा थी उस प्रथम लोकसभा में 22 महिला सांसद थी, जो कुल सदस्य का क्या थी 5% थी। इसके अलावा अगर आप देखते हैं 13वीं लोकसभा में, तो 13वीं लोकसभा में क्या है कि 49 सांसद थी, जो कुल सदस्य संख्या का क्या थी 9% थी। इसके बाद में 14वीं अगर हम लोकसभा में देखते हैं तो 49 सांसद थी महिला, और जो कुल संख्या का क्या थी 8% थी। और अगर हम 15वीं लोकसभा में देखते हैं तो कुल 59 महिला सांसद थी, जो कुल संख्या का क्या थी 11% थी। अगर हम 16वीं लोकसभा में देखते हैं तो 66 महिला क्या थी सांसद थी, जो कुल संख्या का 12% थी। और 17वीं लोकसभा में हमने आपको बता दिया है कि 17वीं लोकसभा में 78 महिला सांसद हैं, जो कुल संख्या का लगभग 14% हैं। ये यहाँ पे आप इस सर्किल में आप देख सकते हो प्रथम से लेकर और अब तक की लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला बिल कौन सा बना है। तो इसका सही आंसर होगा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 नए संसद भवन में पेश होने वाला क्या है पहला बिल बना है। नए संसद भवन के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लीजिएगा कि इस नए संसद भवन का उद्घाटन अभी हाल ही में 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और इसके डिजाइन का जो निर्माण है वो HCP डिजाइन्स ने किया था, और इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने किया था, और इसके मुख्य वास्तुकार विमल पटेल थे। और ये आपको जो फोटो में दिख रहा है ये क्या है, नए संसद भवन का क्या है चित्र है, फोटोज है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं कि महिला सीटों के आरक्षण को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में कितने संशोधन बिल का प्रस्ताव रखा है। तो इसका सही आंसर होगा 4 संशोधन बिल का इन्होंने प्रस्ताव रखा है। पहला संशोधन बिल में आप देखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देख लीजिए 4 संशोधन बिल कौन कौन से हैं। तो पहला संशोधन बिल है, इस बिल के पहले क्लॉज के अनुसार अनुच्छेद 239 में 239AA जोड़ा जा रहा है, जिसके अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की असेंबली में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित होगा। इसके अलावा दूसरे संशोधन बिल में आप देखिएगा कि दूसरे संशोधन बिल में क्या किया गया कि इस बिल के तीसरे क्लॉज के अनुसार अनुच्छेद 330 में 33A सेक्शन जोड़ा गया है, जिसके तहत महिलाओं को लोकसभा में 33% आरक्षण प्राप्त होगा। तीसरे संशोधन बिल में आप देखिएगा कि इस बिल के क्लॉज 4 के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 33(2) के बाद एक नया अनुच्छेद 33A जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत महिलाओं के लिए राज्य की विधानसभाओं में 33% आरक्षण सुनिश्चित होगा। चौथे संशोधन बिल में देखिएगा कि इस बिल के क्लॉज 5 के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 33(4) के बाद एक नया अनुच्छेद 33A जोड़ा जा रहा है, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए ये आरक्षण 15 सालों के लिए प्रभावी रहेगा। इसके बाद और समय के लिए आरक्षण बढ़ाने का अधिकार संसद के पास होगा। तो ये थी दोस्तों चारों संशोधन बिलों से संबंधित आर्टिकल्स एवं इम्पोर्टेंट तथ्य। इन आर्टिकल्स को याद रखिएगा कि किस संशोधन बिल में कौन से आर्टिकल, यानी कुल मिला की बात यहाँ से याद रखने वाली बात यह है कि राज्य की विधानसभा में जो 33% आरक्षण मिला है वो किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया, तो अनुच्छेद 33A में। इसी प्रकार अगर आपसे पूछते हैं कि लोकसभा में जो 33% आरक्षण दिया जाएगा वो किस आर्टिकल के तहत दिया जाएगा, तो आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 330 के
सेक्शन 33A के अंतर्गत अगर आपसे पूछ ले कि इसकी जो अवधि 15 साल के लिए रखी गई है वो किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है, तो अनुच्छेद 33A के तहत इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से वो आपसे पुटअप कर सकता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में देखिएगा कि लोकसभा में नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 विधेयक के पक्ष में कितने मत पड़े थे, तो इसका सही आंसर होगा 454 मत पड़े थे। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखिएगा कि इस विधेयक के पक्ष में 454 वोट पड़े थे जबकि इसके विरोध में दो मत पड़े, ठीक है, इसके विरोध में दो मत पड़े थे और 454 वोट क्या इसके पक्ष में पड़े थे और इसके विरोध में दो मत पड़े थे, ये इंपॉर्टेंट बात है। बिल के खिलाफ AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी के ही सांसद इम्तियाज जलील ने वोट किया था, ये बात याद रखिएगा इसमें। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस में देखिएगा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 बिल भारत में कब से लागू होगा, तो इसका सही आंसर होगा कि जनगणना और लोकसभा सीटों के परिसीमन के बाद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 भारत में लागू होगा। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखिएगा कि इस बिल को लागू होने में लंबा वक्त लग सकता है, अब जनगणना और लोकसभा सीटों का परिसीमन होगा तब ये कानून लागू होगा, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं के लिए यह आरक्षण लागू नहीं होगा, ये बात आपको नोट कर लेनी है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस में देखिएगा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के कानून बनने के बाद यह कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा, तो इसका सही आंसर होगा 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में होगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देख लीजिएगा कि दोनों सदनों में स्पेशल मेजोरिटी के पास होने के बाद में यह बिल कानून बनता है तो सभी राज्यों में क्या होगा, लागू होगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस में देखिएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अगर केंद्र सरकार के कानून से राज्य के अधिकारों पर कोई प्रभाव पड़ता है तो ऐसे मामलों में कानून बनाने के लिए कम से कम 50% विधानसभाओं की मंजूरी लेनी होगी, यह बात किस आर्टिकल में उल्लेखित है, तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 368 में है। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिएगा कि अगर केंद्र सरकार को यह कानून संपूर्ण देश में लागू करना है तो इसे कम से कम 14 राज्यों की विधानसभाओं से पास कराना होगा, अगर 14 राज्यों की विधानसभा इस बिल पर अपनी मंजूरी दे देती हैं तो यह क्या है, यह बिल लागू हो जाएगा, यह विधेयक पारित हो जाएगा संपूर्ण देश में, ठीक है, ये बात नोट कर लेनी है आपको। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में देखिएगा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के कानून बनने के बाद यह किस पर लागू नहीं होगा, तो याद रखना राज्यसभा और विधान परिषद पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिएगा कि इस बिल के कानून बनने के बाद महिलाओं को आरक्षण सिर्फ लोकसभा और विधानसभा में ही मिलेगा, राज्यसभा और विधान परिषद में महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा, ये बात आपको नोट कर लेनी है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस में देखिएगा कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण अनिवार्य किया गया था, तो इसका सही आंसर होगा कुल सदस्य संख्या का 1/3%, लेकिन इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिएगा कि वर्तमान में लगभग 21 राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण को बढ़ाकर 50% कर दिया है, ये बात भी आपको याद रखनी है। लेकिन अगर हम बात करें कि 73वें संविधान संशोधन 1992 की, तो उस समय पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया था, कुल यानी कुल सदस्य संख्या का 1/3%। ये थी दोस्तों नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण बिल 2023 से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एवं क्वेश्चन। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसे कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। फिर मिलूंगा नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।